अब्दुल गफूर पूछते हैं, दूसरी शादी करना चाहता हूं लेकिन बीवी इजाज़त नहीं देती, अब बीवी की बात मानूं या शादी कर लूं? इस्लाम में मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चार शादियों की इजाज़त दी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाते हैं, फनकहु मा तौब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि मर्द को अल्लाह पाक ने दो दो शादियां करे, तीन किन करे या चार ताल करे, यानी चार तक करे, बैक वक्त वो इस तरह कर सकता है। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम इस बात का खौफ रखते हो, व इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, अगर आप डरपोकी का खौफ रखते हैं कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, इंसाफ ना करने पे आप डरपोक हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर फवाहिदा, फिर आप एक पे गुजारा करो, आप हक अदा नहीं कर सकते। तो अगर आपको बेइंसाफी का खौफ है फिर एक ही ठीक है। जहां तक रहा कि मुझे बीवी इजाजत नहीं देती, मेरे ख्याल में आपकी बीवी शायद आपको अच्छी तरह समझती है, और बीवियां खावंद को अच्छी तरह समझती भी हैं, जैसे खावंद को बीवी समझती है ऐसे तो बहुत मुश्किल कोई समझता है, तो वो समझती होगी कि इसमें इंसाफ की ताकत नहीं है। आप अपनी पहली बीवी के साथ इतने इखलास से रहते, इतनी अच्छाई से रहते, इतने प्यार से, मोहब्बत से, मवद्दत से, मसरत से, यगनगत से, ताल्लुक से रहते, तो आपकी बीवी ज़रूर आपके साथ जाती है। हमारी भी तो बीवी हैं, हमारे निकाहों में शरीक हैं, हमारे साथ जाने में शरीक हैं, हमारे वलीमों में शरीक हैं। मेरी खुशदामन, मेरा अपना वलीमा दूसरा बांटने वाली है पहली खुशदामन, इससे खुद आप अंदाज़ा लगा लें इस पर कौन सा मुश्किल है। अगर आपका बिहेवियर पहली बीवी के साथ अच्छा होगा तो आपको ज़रूर इजाज़त देगी वो। बाकी ये है कि आपको इजाज़त शरई लेना कोई ज़रूरी वाजिब नहीं है, लेकिन बीवी को एतमाद में लेना ज़रूरी होता है, एतमाद तो होना चाहिए ना, कहीं ये ना हो कि आप दूसरी शादी करें और पहली से भी हाथ धो बैठें। अक्सर ये देखा गया है कि जब दूसरी शादी खावंद करता है तो कल्ब भी उस तरफ, दिली मामलात भी उस तरफ, माली मामलात भी उस तरफ, अमली मामलात भी उस तरफ, दिन रात भी उस तरफ, शब और रोज़ भी उस तरफ, और सारे मामलात इस तरफ, और पहली को बिल्कुल मुअल्लक और पेंडिंग और लटका दिया गया है। इस खौफ की वजह से बीवियां इजाज़त नहीं देती, ये अक्सर देखा गया। अगर कोई ऐसा करता है वो हुकूक अदा नहीं करता, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नकल कर रहा हूँ, फरमाया जे बंदा जब कयामत में अल्लाह के दरबार में आएगा, इसकी आधी साइड फालिज ज़दा पैरालाइज होगी, मफलूज होगी, जैसे फालिज हो चुका हो, न दाई आंख काम करे, न दाई कान काम करे, न दाई तरफ से नाक काम करे, न दाई तरफ से हाथ काम करे, न दाई तरफ से पांव काम करे, न उंगलियां काम करें, बिल्कुल पैरालाइज है, मफलूज है, फालिज ज़दा, यूं आएगा। या तो कुरान करीम में सूदखोर को कहा गया कि ला यकुमु इल्ला यकुमु अल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जैसे जैसे शैतान और जिन्नात अंदर घुसे और बंदा पागल हो गया हो, यूं उठेगा वो कयामत में, वो फुली पागल होगा, और ये बंदा आधा पागल होगा, हाफली जो है ना क्या कहते हैं, मेंटल है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, तो ये वहां से डिस्चार्ज होके आ रहा है, पागल खाने से, मेंटल होम से आ रहा है, तो ये बात बनेगी। तो मुझे तो यही लगता है, आपने दूसरी शादी करनी है तो आप अपनी पहली बीवी से शुरू से अपना एहतराम के मामलात रखें। नंबर दो, दूसरी शादी का मकसद क्या है, आप दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे हैं, उसकी वजूहत क्या है, क्या मामलात हैं, आप जरा ये तो बताएं। अक्सर तौर पे दूसरी शादी लोग इसीलिए करते हैं ताकि पहली के ऊपर मैं इसीलिए सौकन बिठाऊं, इसे समझ आए ये मेरे फलां है फलां है फलां, ये क्या मतलब है। आप दूसरी शादी अल्लाह की रजा के लिए करें, दूसरी शादी किसी खातून के सहारा बनने के लिए करें, बेहतर है। आज डिवोर्स की रेशो, तलाक की शरह बहुत बढ़ रही है, आप मुतल्लका से करें, आप बेवा से करें, किसी के घर की इज्जत अफजाई के लिए करें, वो बच्चों वाली हो आप फिर भी करें, मैं उनके बच्चों का रखवाला बन जाऊंगा, इस नियत से करें, तो फिर तो दूसरी शादी ठीक है। और आपकी नियत ये होगी कि वो तो बहुत अच्छी है, आई लाइक हर, आई लव हर, इस तरह के मामलात आप अपनी बीवी को बताएंगे तो पहली कब आपको इजाजत देगी? और खुदा के बंदे, दूसरी शादी का मामला है क्या, किस वजह से की जा रही, कोई मकसद तो बताए ना जरा, कोई तरतीब तो बताए। मैं बाज़ों का हैरान हो जाता हूं कि लोग दूसरी शादियां करते नहीं हैं, अपनी पहली जोजा को, अपनी बीवी को, जो इनकी बच्चों की माँ है, इनकी नस्ल की बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है और इनके घर की इज्जत और जीनत बन के इनके घर में बैठी है, अपने माँ बाप को छोड़ के, बहन भाई को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के बैठी है, आजादी वहां से, एक आजाद जिंदगी, यानी किसी किस्म की रोक टाक नहीं है, माँ बाप उसके ऊपर मौजूद है, वहां से उठ के खाने पीने तक के लिए महदूद होकर इसके पास बैठी है, अपने बाप के घर जाना चाहती है जिसके कदमों तले उसकी जन्नत है, तो तुझसे पूछ के जाती है,
और तू उसे बैठ के कहते मैं तो दूसरी करूंगा, मैं तो करूंगा, और हाल इस बंदे का यह होता है कि चार में से कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है और इसे घर से बाहर बगैर शनाख्ती कार्ड के खाना नहीं मिलता, ये हालात होते हैं और वो सिर्फ छेड़ता रहता है। तो बीवी कहती है ना जा लेकर आ, मैं तुम्हें देखती हूँ कोई देता है। इस जैसे किसने कहा तुमने दूसरी शादी करनी नहीं है, दूसरी 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 बोल बोल के खाम खास उस बच्ची को टेंशन दे रहे हो। याद रखना, अगर आज आपने जानबूझकर बिल्कुल नाजायज इस तरह की टेंशनें और बुरी मामलात अपनी बीवी के साथ किए तो कल आपकी बेटियां भी हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर उनके घर में ये मामलात बिगड़े, आप क्या करोगे, कहां तक जाओगे। आज आप दूसरी शादी कर रहे हैं, ये याद रखना मेरे भाई, कल आपका दामाद भी दूसरी शादी करे, आप उसको क्या कहेंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे, आप उसकी दूसरी शादी में शिरकत करेंगे। इस तरह का आपका सीना है तो फिर तो आइए दागज़दा मैदान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीजिए, तशरीफ लाइए, लेकिन इस तरह के मामलात देखिए फिर आपको कहां से कहां तक इंसाफ करना पड़ेगा। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इंसाफ के बहुत बड़े खूगर थे। दो जौजात थी, दो बीवियां थी, तो किसी ने दो तरबूज हदीये में दिए तो हजरत ने उसको काटा दोनों तरबूजों को, एक का आधा पहले आधे के साथ, पहले का आधा दूसरे आधे के साथ मिलाया कि हो सकता है एक तरबूज बड़ा और एक छोटा हो तो मैं किस तरह दे रहा हूं। एक शख्स ने एक अजीब बात लिखा, हजरत की बीवियों की पांव की जूतियों का नंबर एक जैसा था, तो हजरत ने जब जूतियां मंगवाई तो दोनों में से एक का जो है ना क्या कहते हैं एक साइड उठाकर दूसरी में दूसरी पहली में बराबर करके इस तरह के मामलात में रखा, क्योंकि दोनों एक ही जैसी आई थी ना, वो तभी की बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये याद रखना, आप दूसरी करें, आप तीसरी करें, आप चौथी करें, लेकिन जो कवायद, जो हुदूद, जो शरायत, जो आदाब, जो कवानीन, जो मामलात में अर्ज करना हो, अगर इस पर आपकी पाबंदी है तो मामला ठीक बनेगा। याद रखना, कभी आपकी पहली बीवी आपका साथ नहीं देगी अगर आप इसके साथ मिसबिहेवियर करके दूसरी के साथ आपने अफेयर चला लिया, कभी साथ नहीं देगी। आप चाहते हैं, आप अल्लाह से मांगे अपनी पहली घरवाली के साथ इतना खुश अखलाक रहें, इतने मामलात में ठीक रहें ताकि उसको समझ आए कि ये वहां पे जाके भी हुकूक की अदायगी करेगा और ये नहीं बदलेगा, फिर तो मामला ठीक है, बाकी मामलात अजीब हैं। बेहतर होता आप मुझे अपनी वजह लिखते कि मेरी दूसरी शादी की रीजन और वजूहात क्या है, असबाब और अलल क्या है, किस बुनियाद पर मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, ताकि उस बुनियादों को देखकर मैं उस तरह आपके समझाने की आपकी खिदमत बात करता ताकि आपकी बात सामने सीधी आती तो फिर आपकी बात का जवाब भी सामने वाज़े तौर पर आसानी से आपको समझ आ जाता। बहरहाल जो भी हो, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर को आबाद और शाद फरमाए।